हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 12 नवंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। ये हमारा बाइलिंगुअल बैच है जिसमें हम करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखते हैं। आप ही करंट अफेयर्स जाकर हमारी वेबसाइट pendlamedia.com पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस और आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी रहे और आप खूब एंजॉय करें दिवाली को, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। तो चलिए पहले हम प्रीवियस डे की न्यूज़ रिवाइज करते हैं। एफिडेविट फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग क्लेम्स अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फ्रॉम ESIC। तो जो भी लोग क्लेम्स करना चाहते हैं अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, उनको अब एफिडेविट फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ये 2018 में स्टार्ट की गई थी, क्योंकि जिनकी जॉब लॉस्ट हुई है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये फाइनेंशियल एक स्कीम है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड सेलिब्रेट्स इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 9th November। क्यों? क्योंकि 9 नवंबर को जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से सेपरेट होके एक नया स्टेट बना, 27th स्टेट बना ये भारत का 9 नवंबर 2000 को। एंड उत्तराखंड को लैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, फिर 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। नेक्स्ट इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो हर वर्ष वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिन जो है इस चीज़ पे फोकस करता है कि साइंस की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या अभी की अगर हम बात करें 2020 की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो थीम है वो ग्लोबल पेंडेमिक से डील करने में साइंस का जो योगदान है उसके ऊपर ये बेस्ड है विषय इसका जो 2020 का है। पहली बार वर्ल्ड साइंस डे जो है ये 2002 में मनाया गया था। नेक्स्ट इज MNRE दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अपने जो सोलर कैपेसिटी एडिशन टारगेट हैं वो बढ़ा दिए हैं अंडर द PM कुसुम योजना। तो PM कुसुम योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, एंड ये 2019 में लॉन्च की गई थी, इसको अप्रूवल मिला था। एंड इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? ये सोलर पंप से रिलेटेड है, सो इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ये सोलराइजेशन ऑफ पंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज Pfizer COVID-19 वैक्सीन इज 90% इफेक्टिव इन Phase 3 ट्रायल। तो Pfizer के द्वारा जो COVID-19 वैक्सीन बनाई गई है उसका 3rd phase ट्रायल किया गया और Phase 3 में इसको 90% इफेक्टिव माना गया है। नेक्स्ट इज PM मोदी एड्रेस द SCO समिट विच वॉज होस्टेड बाय रशिया। और ये जो SCO समिट था ये 20th SCO समिट था, 20वां SCO समिट था। इंडिया जो है फुल टाइम मेंबर बना है SCO का इन 2017 पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा SCO में जो अदर मेंबर्स हैं वो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। अभी रशिया जो है वो करंट चेयर है SCO की, इसीलिए उसने उसको होस्ट किया है। नेक्स्ट इज एन ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ ITAT विल बी इनॉग्रेटेड बाय द PM। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने उनके द्वारा जो ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल का वो इनॉग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज 15th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड दिस रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 to 2025-26। और ये जो 15वां वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है NK सिंह। ठीक है, और इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? 15th फाइनेंस कमीशन को 2017 में बनाया गया था एंड इसको कहा गया था कि जो भी डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देनी है। तो अपनी रिकमेंडेशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट कर दी है। अब ये जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट में टेबल होगी, उसके बाद इसको पब्लिक किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत मेंशन है और प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5वें साल में। ठीक है,
ठीक है. नेक्स्ट इज डीआरडीओ डेवलप्स फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम फॉर बसेस. बसेस के लिए डीआरडीओ ने FDSS सिस्टम दैट इज फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया है. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइज ऑल डिस्कॉम्स एज DCs. DCs यानी कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स एंड ब्रिंग्स देम अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. और जब डिस्कॉम्स को पहले तो क्या था कि जो डिस्कॉम जिनका एनुअल एनर्जी लॉस 1000 मिलियन यूनिट्स है उनको ही कहा जाता था डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स. लेकिन अभी सभी लाइसेंस्ड डिस्कॉम्स को डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जो नोटिफाई कर दिया गया है. इसके अलावा उनको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत लेकर आया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब जो एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है वो इनके लिए मैंडेटरी होगी. तो ये हमने प्रीवियस डे की न्यूज़ जो है वो रिवाइज कर ली है. अब हम आज की न्यूज़ देखते हैं. फर्स्ट इज स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है. डेनियल मेडवेदेव बीट अलेक्जेंडर जेवरेव टू विन पेरिस मास्टर्स 2020. डेनियल मेडवेदेव ने अलेक्जेंडर जेवरेव को 5-7, 6-4, 6-1 से हराकर पेरिस मास्टर्स 2020 का अपना पहला खिताब उन्होंने हासिल कर लिया है. वो चौथे रशियन बने हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है आफ्टर मरत सेफिन, निकोले देवदेंको एंड केरन खाचानोव. बोथ प्लेयर्स वर फर्स्ट टाइम प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन द रोलेक्स पेरिस मास्टर्स. तो रोलेक्स पेरिस मास्टर्स में पहली बार ऐसा हुआ कि ये दोनों प्लेयर्स आमने सामने खेल रहे थे फाइनल्स में. इट वॉज मेदवेदेव्स 8th कैरियर टाइटल एंड 3rd एट अ मास्टर्स इवेंट. मेदवेदेव का ये कैरियर का 8वां खिताब था और मास्टर इवेंट में 3रा खिताब था. रोलेक्स पेरिस मास्टर्स की हम बात करें तो एक टेनिस टूर्नामेंट है जो पेरिस में होता है हर वर्ष, और पिछले वर्ष 2019 में मेन सिंगल्स टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने. सो क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द 4th रशियन टू विन पेरिस मास्टर्स 2020. निम्नलिखित में से कौन पेरिस मास्टर्स 2020 जीतने वाला चौथी रूसी है? अलेक्जेंडर जेवरेव, डेनिल मेदवेदेव, मारत सेफिन एंड निकोले डेविडेंको. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डेनियल मेदवेदेव. नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च्ड मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल एट डीआरडीओ भवन. तो डीआरडीओ के भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का एक मॉडल हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उनके द्वारा लॉन्च किया गया. ए साइट मिसाइल यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था विद एन ऑपरेशन कोड कॉल्ड मिशन शक्ति फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स ऑन 27 मार्च 2019. तो पिछले वर्ष मार्च 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स से मिशन शक्ति के अंतर्गत, और ये भारत का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल था. विद दिस मिसाइल इंडिया हैज बिकम द 4th नेशन द वर्ल्ड आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू हैव द कैपेबिलिटी टू इंटरसेप्ट अ सैटेलाइट इन आउटर स्पेस. तो इस मिसाइल के साथ भारत जो है वो 4th देश बन गया है अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो बाहरी अंतरिक्ष में एक उपग्रह को बाधित करने की क्षमता रखता है. इन दिस DRDO हैज यूज द मॉडिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एंड काइनेटिक किल विच इज अ स्पेस टेक्नोलॉजी. इसमें DRDO ने संशोधित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर और काइनेटिक किल का उपयोग किया है. इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी. भारत 1967 की जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है उसका एक हस्ताक्षर करता है जो बाहरी अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है. तो ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका आउटर स्पेस में इस्तेमाल को प्रोहिबिट करती है. मिशन शक्ति की हम बात करें तो इंडिया की पहली एंटी सैटेलाइट मिशन टेस्ट का स्टार्ट किया गया था यहाँ पर मिशन शक्ति, और 2019 में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया वहाँ पर इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया मिशन को, और इसने एक लो अर्थ सैटेलाइट को स्पेस में डिस्ट्रॉय किया. सो क्वेश्चन है, इंडिया हैज बिकम द 4th नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव कैपेबिलिटी टू इंटरसेप्ट अ सैटेलाइट इन आउटर स्पेस. विच आर अदर 3 नेशंस टू हैव सच कैपेबिलिटी. भारत दुनिया का 4th ऐसा देश बन गया है जो बाहरी अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को रोकने की क्षमता रखता है. ऐसी क्षमता रखने वाला अन्य 3 राष्ट्र कौन से हैं? US, रशिया एंड जापान, रशिया, जर्मनी एंड चाइना, फ्रांस, जापान एंड जर्मनी, USA, रशिया एंड
चाइना. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज यूएसए, रशिया एंड चाइना. नेक्स्ट इज अ पिक्टोरियल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी विच इज टाइटल्ड माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी वॉज रिलीज बाय नेपाल प्रेजिडेंट विद्या देवी भंडारी. तो जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने एक चित्रमय एंथोलॉजी जो है वो जारी की है जो महात्मा गांधी पर बेस्ड है. इसका शीर्षक है गांधी के बारे में मेरी समझ. तो एंथोलॉजी बेसिकली क्या होती है? एंथोलॉजी एक इस तरह की बुक होती है जिसमें कंपाइलेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के वर्क का, जिन्होंने सेम टाइम पर चीज़ें लिखी होती हैं. ठीक है, एम्बेसी ऑफ इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड द पिक्टोरियल एंथोलॉजी टाइटल्ड माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी पार्टनरशिप विद बी पी कोयराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन. तो बी पी कोयराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ मिलकर एम्बेसी ऑफ इंडिया ने इसको प्रोड्यूस किया है पिक्टोरियल एंथोलॉजी को. एम्बेसी ऑफ इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड द एंथोलॉजी रिलीज्ड बाय नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी टू कीप द वैल्यूज ऑफ महात्मा यूनिवर्सल टीचिंग्स विद नेपाली फ्रेंड्स. तो इसको लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य ये था कि भारत के दूतावास ने नेपाली दोस्तों के साथ महात्मा की सार्वभौमिक शिक्षाओं के मूल्य को बनाए रखने के लिए इसको लॉन्च किया. एज पर द इंडियन एम्बेसी द एंथोलॉजी इंटेंड्स टू ब्रिंग द यूथ ऑफ नेपाल क्लोजर टू महात्मा गांधी. भारतीय दूतावास के अनुसार एंथोलॉजी नेपाल के युवाओं को महात्मा गांधी के करीब लाने का इरादा रखती है और ये पब्लिक में अवेलेबल कर दी गई है टू सेलिब्रेट द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एंड टू कोमेमोरेट एंड ऑफ 2 years लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 150 years ऑफ महात्मा. सो महात्मा गांधी की 191वीं जयंती मनाने के लिए और महात्मा गांधी की 150 साल के लंबे जो 2 साल का उत्सव चल रहा था 150 साल पूरे होने के, उसके उपलक्ष में आम लोगों के लिए मानव शास्त्र उपलब्ध कराया गया. एंथोलॉजी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स बाय डिफरेंट ऑथर्स इन सिमिलर फॉर्म फ्रॉम अ सिमिलर टाइम और अबाउट अ सिमिलर सब्जेक्ट मैनर. तो एंथोलॉजी विभिन्न लेखकों द्वारा समान रूप से समान समय से या समान विषय के तरीके से लेखन का एक बड़ा संग्रह होता है. तो अब कहीं पूछा जाएगा अगर एंथोलॉजी वर्ड आएगा तो आई होप आप उसको करेक्ट मार्क करेंगे. सो क्वेश्चन है, प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिलीज्ड पिक्टोरियल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी टाइटल्ड माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी. निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर गांधी के बारे में मेरी समझ शीर्षक से सचित्र संकलन जारी किया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन दैट इज नेपाल. नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन डे का जो प्रोग्राम है वो IIT बॉम्बे द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने 10 नवंबर को. ऑल दो जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो फंक्शन है वो एक दिन पहले ऑर्गेनाइज किया गया. IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. तो जो हमारे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस भी फाउंड किया था. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक वॉज ऑल्सो द चीफ गेस्ट इन दिस प्रोग्राम. तो चीफ गेस्ट कौन थे? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे. डॉक्टर के कस्तूरी रंगन वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द इवेंट. तो के कस्तूरी रंगन जो कि अभी जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने ड्राफ्ट किया है, उसके चेयरमैन थे कमेटी के एंड इसके साथ साथ वो पहले इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है. द मिनिस्टर सेड दैट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ अलाउड टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज टू सेट अप अ कैंपस इन इंडिया. तो उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में एक परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गेव प्रोफेसर कीर्ति रामारिथम अवार्ड फॉर क्रिएटिव रिसर्च 2019 टू प्रोफेसर जयकृष्ण नायर. तो जयकृष्ण नायर को एक अवार्ड दिया गया क्रिएटिव रिसर्च के लिए. इसके अलावा 2008 से नेशनल एजुकेशन डे जो है वो हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है.
IIT Bombay Research Excellence Awards 2019 were also given to recognize R&D efforts of IIT Bombay faculty. इसके अलावा जो IIT Bombay के जो भी टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनका जो भी R&D efforts रहा है उसको रिकग्नाइज करने के लिए IIT Bombay Research Excellence Award 2019 भी दिए गए. सो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर नेशनल एजुकेशन डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय IIT बॉम्बे. निम्नलिखित में से कौन IIT बॉम्बे द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम के लिए सम्मानित अतिथि थे? डॉक्टर महेश्वरन शनमुगम, डॉक्टर शुभांकर कर्माकर, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एंड डॉक्टर परिंद वासा. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. नेक्स्ट इज अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फॉर सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स विल बी हेल्ड ऑन 11th एंड 12th नवंबर थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. तो जो दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं इनको कल और आज जो है वो दिया जा रहा है इन अवार्ड सेरेमनी. एंड श्री एम वेंकैया नायडू वो 11th नवंबर के लिए चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे. एंड इसके अलावा पद्मा अवार्डी एनवायरमेंटलिस्ट अनिल जोशी वो स्पेशल गेस्ट रहेंगे दोनों दिन के लिए. इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं वो चीफ गेस्ट रहेंगे आज के फंक्शन के लिए. द विनर्स ऑफ द नेशनल अवार्ड्स 2019 इन 13 कैटेगरीज, तो जो भी विनर्स होंगे 13 कैटेगरीज में उनको साइटेशन ट्रॉफी और कैश प्राइज दिया जाएगा. जबकि जो बेस्ट स्टेट का विनर होगा या फिर बेस्ट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो विनर होगा उसको कैश प्राइज नहीं मिलेगा. टोटल 98 विनर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर 16 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेकेंड नेशनल अवार्ड. तो इसमें बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट रिसर्च इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी, बेस्ट एजुकेशन मास अवेयरनेस एफर्ट्स, बेस्ट टीवी शो, बेस्ट न्यूज़पेपर, बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंस्टीट्यूशन RWA रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, बेस्ट वाटर वॉरियर, बेस्ट NGO, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन एंड बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज़. ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए जाएंगे. सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स बींग ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजुविनेशन आर फॉर द ईयर 2019. तो ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वर्ष 2019 के लिए हैं. अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल वाटर अवार्ड के और कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजुविनेशन ऑर्गेनाइज करता है. द प्रोसेस फॉर द अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन सेप्टेम्बर 2019 एंड इसके बाद करीब 1000 एप्लीकेशंस आए थे. शशि शेखर, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ दिस डिपार्टमेंट, वॉज द चेयरमैन ऑफ द ज्यूरी कमेटी फॉर द अवार्ड्स विच वॉज असिस्टेड बाई 2 स्क्रीनिंग कमिटीज हैविंग मेम्बर्स फ्रॉम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल वाटर कमीशन. तो जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं शशि शेखर वो चेयरमैन थे ज्यूरी कमेटी के अवार्ड्स के लिए और उनको असिस्ट किया 2 स्क्रीनिंग कमिटीज़ ने जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से मेम्बर्स थे और सेंट्रल वाटर कमीशन से मेम्बर्स थे. नेशनल वाटर अवार्ड्स वर लॉन्च इन 2007. 2007 में इन अवार्ड्स को लॉन्च किया गया था विद ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन अवार्ड्स. और इनका मेन एम यही है नेशनल वाटर अवार्ड्स का कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बढ़िया काम कर रही हैं वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन में और मैनेजमेंट में, उनको मोटिवेट करना, इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता पैदा करना कि पानी का क्या महत्व है उनके जीवन में. इसके अलावा लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो बेस्ट वाटर प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करें. सो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पद्म अवार्डी एनवायरमेंटलिस्ट इनवाइटेड एज स्पेशल गेस्ट इन अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फॉर सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स. द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए पुरस्कार वितरण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित पर्यावरणविद का नाम क्या है? रमन सुकुमार, अनिल जोशी, राजेंद्र सिंह एंड विनीत सोनी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज अनिल जोशी. नेक्स्ट इज अजीम प्रेमजी, द फाउंडर चेयरमैन ऑफ विप्रो, ही हैज टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट जेनरस इंडिविजुअल्स. विप्रो के जो संस्थापक चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी, इन्होंने भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है. हुरून इंडिया एंड एडल गिव इन्होंने मिलकर लिस्ट जारी की है जिसमें इंडिया के मोस्ट जेनरस इंडिविजुअल्स को शामिल किया गया है.
एंड एडल गिव हुरन इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट 2020 के नाम से रिलीज किया गया। अजीम प्रेम जी ने लास्ट ईयर, अगर हम बात करें 2019-20 में, उन्होंने 7,904 करोड़ रुपए डोनेट किए और उसके पिछले साल उन्होंने सिर्फ 453 करोड़ डोनेट किए थे। शिव नादर एंड मुकेश अंबानी जो है इनका दूसरा और तीसरा स्थान है आफ्टर अजीम प्रेम जी। शिव नादर ने 795 करोड़ डोनेट किए ड्यूरिंग अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 एंड उन्होंने टॉप किया था लास्ट ईयर का लिस्ट, 2019 का जो लिस्ट था उन्होंने टॉप किया था शिव नादर ने, इस बारी अजीम प्रेम जी ने टॉप किया है। वाइल अजीम प्रेम जी एंड शिव नादर मेनली डोनेटेड फॉर एजुकेशन, मुकेश अंबानी मेनली डोनेटेड फॉर डिजास्टर रिलीफ। तो अजीम प्रेम जी और शिव नादर का जो मेन डोनेशन हिस्सा था वो एजुकेशन के लिए गया, वही मुकेश अंबानी का डिजास्टर रिलीफ के लिए गया। के आर बिरला, अनिल अग्रवाल फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वेदांत, अजय पिरामल, नंदन निलेकानी हु इज द को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, हिंदुजा ब्रदर्स गौतम अदानी एंड राहुल बजाज, ये भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थे। द लिस्ट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु हैव डोनेटेड रुपीज 5 करोड़ और मोर। तो इस लिस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्होंने 5 करोड़ या उससे अधिक डोनेट किया था। इंडिया स्टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट मेनली डोनेटेड फॉर एजुकेशन फॉलोड बाय पॉवर्टी एलिवेशन। तो टोटल अगर हम देखें तो जितने भी टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने जो डोनेशन दिया था वो मेनली एजुकेशन के लिए डोनेशन दिया है एंड उसके बाद गरीबी उन्मूलन के लिए दिया गया है। डोनेशंस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज्ड बाय 111%। तो हेल्थ केयर में जो डोनेशन है वो 111% बढ़ा है। वहीं डिजास्टर रिलीफ और मैनेजमेंट का जो डोनेशन है वो 240% बढ़ा है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर बहुत सारे नेचुरल कलामिटीज़ हुई थी। इसके अलावा द नंबर ऑफ इंडियन फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटिंग ओवर ₹10 करोड़ हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 37 to 78 ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। तो पिछले 2 वर्षों में ऐसे लोग जिन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा डोनेट किया है, पहले 37 थे, पिछले 2 सालों में बढ़कर ही 78 हो गए हैं। 28 फिलेंथ्रोपिस्ट वर न्यूली एडेड टू द लिस्ट। तो इस लिस्ट में 28 नए लोग ऐड हुए हैं। शिबुलाल इज एट द टॉप अमंग द न्यू एंट्रीज। तो शिबुलाल जो है वो टॉपर है नई एंट्रीज में। इसके बाद अमित चंद्रा और अर्चना चंद्रा जो है वो फर्स्ट और ओनली प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जिन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम आया है, जिन्होंने इस लिस्ट में प्रवेश किया है। सो क्वेश्चन है, अजीम प्रेम जी हैज रिसेंटली टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट जेनरस इंडिविजुअल्स। एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2000। ही मेनली डोनेटेड फॉर द कॉज ऑफ। अजीम प्रेम जी ने हाल ही में भारत के सबसे उदार व्यक्ति की सूची एडल हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी सूची 2020 में सबसे ऊपर स्थान लिया है। उन्होंने मुख्य रूप से किसके लिए दान दिया? एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन एजुकेशन के लिए दिया, यानी कि शिक्षा के लिए दिया। नेक्स्ट इज मुंबई इंडियंस हैज़ वन IPL 2020। तो फिर से मुंबई इंडियंस जो हैं वो IPL 2020 के विजेता हो गए हैं। उन्होंने फाइनल जीता ओवर द दिल्ली कैपिटल्स 5 विकेट से एंड ये 2019 के विनर भी थे एंड फिर से उन्होंने IPL जीत लिया है एंड ही हैज़ वन IPL फॉर द 5th टाइम। टोटल अगर हम IPL की श्रृंखला देखें तो 5 बार जो है मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। कन्नूर लोकेश राहुल, केएल राहुल जो हैं वो कैप्टन थे किंग्स 11 पंजाब के एंड उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, 670 रन स्कोर किए हैं इस पूरे सीजन में IPL के और उनको ऑरेंज कैप अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा शिखर धवन जो हैं उनके सेकेंड टॉप मोस्ट रन स्कोरर रहे हैं वो इस सीजन के। कागिसो रबाड़ा दिल्ली कैपिटल्स की, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ली है, उन्होंने 30 विकेट्स लिए हैं इस सीजन में और उनको पर्पल कैप दी गई है। ईशान किशन ऑफ मुंबई इंडियंस इज द प्लेयर हु हिट मैक्सिमम सिक्सेस इन IPL 2020। तो सबसे ज़्यादा सिक्स किसने लगाए हैं? ईशान किशन ने लगाए हैं जो कि मुंबई इंडियंस से हैं एंड जोफ्रा आर्चर जो कि राजस्थान रॉयल्स हैं उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द IPL 2020 डिक्लेयर किया गया है। IPL 2020 की हम बात करें तो IPL की जो सीरीज़ है उनका ये 13th एडिशन है, 13वां संस्करण है एंड BCCI के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 2007 में। पहले तो जो 2020 का IPL था ये मार्च 2020 में होना था लेकिन इसको फिर रीशेड्यूल किया गया सितंबर के लिए।
इससे पहले वीगो इसको स्पॉन्सर कर रही थी लेकिन इसको हटा दिया गया एंड नाउ ड्रीम इलेवन जो है, जो एक इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, ड्रीम इलेवन इसने इसको स्पॉन्सर किया है। वहीं जो वुमेन T20 है, जो वुमेन T20 है इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मैंने आपको बताया था रिलायंस जियो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉज डिफीटेड बाय मुंबई इंडियंस इन IPL 2020 फाइनल। IPL 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया है, किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट इज अर्मेनिया एंड अजरबैजान, दोनों ने एक पीस डील साइन की है ताकि जो भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको रोका जा सके ओवर द नगोर्नो कारबाख रीजन। एंड रशिया ने ये डील को अरेंज किया था, रशिया ब्रोकर डील है ये बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। अजरबैजान फोर्सेज एंड एथनिक अर्मेनियन फोर्सेज वर इन्वॉल्व्ड इन हैवी फाइट। तो हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि कैसे अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ही हैवी फाइट में इन्वॉल्व थे और सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। अजरबैजान फोर्स ट्राई टू टेक कंट्रोल ओवर द डिस्प्यूटेड नगोर्नो कारबाख रीजन। तो दोनों कंट्री में एक रीजन है जो कि नगोर्नो कारबाख रीजन है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है, इसी के चलते ये यहाँ पर क्लैशेस जो है स्टार्ट हुए थे। अजरबैजान सेड दैट इट हैड रीटेकन द लैंड इन नगोर्नो कारबाख रीजन बट अर्मेनिया डिनाइड इट। अजरबैजान ने कहा कि उसने जो नगोर्नो कारबाख रीजन में जो लैंड है उसको वापस ले लिया है लेकिन अर्मेनिया ने इसको मना किया। रशियन पीस कीपर्स लेफ्ट द रीजन जस्ट आफ्टर द सीज फायर। तो युद्ध विराम होने के बाद रूस की जो शांति सैनिक है उन्होंने क्षेत्र को छोड़ दिया है। द एग्रीमेंट हैज लेड टू प्रोटेस्ट इन अर्मेनिया। अब इस एग्रीमेंट के कारण अर्मेनिया में काफ़ी विरोध चल रहा है। द प्रोटेस्टर्स अटैक गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स एंड इट्स कैपिटल येरेवान। तो येरेवान जो कैपिटल है अर्मेनिया की, वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को अटैक किया है एंड दे डिमांडेड प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान रेजिग्नेशन। तो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशिनियान, उनके रेजिग्नेशन की मांग की है। There are fears that conflict may lead to regional war as Turkey was supporting Azerbaijan and Russia was having a military base in Armenia. तो डर लग रहा था कि ये कहीं regional war ना बन जाए क्योंकि Turkey जो है वो Azerbaijan को support कर रहा था, वहीं Russia का जो military base है वो Armenia में है। Nagorno-Karabakh region जिसको अर्थशाक भी कहा जाता है, ये एक South Caucasus region है जो कि Eastern Europe और Western Asia के border पर lie करता है। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू है, यहाँ के प्रेसिडेंट इलहम एलियेव है। वहीं येरेवान जो है वो आर्मेनिया की कैपिटल है और निकोल पाशिनियान जो है वो इसके प्राइम मिनिस्टर है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्मेनिया एंड अजरबैजान हैव साइन पीस डील अरेंज्ड एंड नेगोशिएटेड बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग। आर्मेनिया और अजरबैजान ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, USA, UK, रशिया एंड इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रूस। नेक्स्ट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एंड नोबल विनर प्रोफेसर एंड्रिया गेज वर्कड इन कोलैबोरेशन फॉर 30-meter टेलीस्कोप। तो भारत के जो खगोलविद हैं और साथ ही जो नोबल के विजेता हैं प्रोफेसर एंड्रिया गेज, उन्होंने मिलकर 30-meter टेलीस्कोप पर काम किया है। इस बार का जो फिजिक्स नोबल प्राइज था वो किस किस को मिला था, प्रोफेसर गेज को मिला था, एंड्रिया गेज को, और उन्होंने ये जो अवार्ड है ये रेनहार्ड गेंजेल और रॉजर पेनरोज के साथ शेयर किया। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को ये जो नोबेल प्राइज मिला था ये डिस्कवरी ऑफ सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट मिल्की वे सेंटर, इसके लिए मिला था। उन्होंने मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। एंड 2020 के जो नोबेल प्राइज विनर हैं प्रोफेसर एंड्रिया गेज, इन्होंने वर्क किया है ऑन द डिज़ाइन ऑफ बैकएंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड पॉसिबल साइंस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ TMT। तो ये जो 30-meter टेलीस्कोप है इसका जो बैकएंड इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन है वो इनके द्वारा किया गया है। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम एंड शाशि भूषण पांडे, दीज वर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने प्रोफेसर गेज के साथ मिलकर काम किया है। 30-meter टेलीस्कोप इसको इंस्टॉल किया जाएगा एट माउंट एकिया जो कि एक डॉर्मेंट वोल्केनो है हवाई में। कैलटेक यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की, कनाडा, जापान, चाइना और इंडिया इसमें
पार्ट ले रहे हैं TMT प्रोजेक्ट में, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर्क कोलैबोरेटिवली ऑन 30 मीटर्स टेलीस्कोप विद विच ऑफ द फॉलोइंग विनर्स ऑफ 2020 फिजिक्स नोबेल। भारतीय खगोलविद ने 30 मीटर टेलीस्कोप पर सहयोगात्मक रूप से निम्नलिखित भौतिकी नोबेल विजेताओं में से किसके साथ काम किया है? एंड्रिया गेज, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल एंड बोथ ANB। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एंड्रिया गेज। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।